हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन शुभम्स कुक बुक एंड DIY। और आज हम बनाने जा रहे हैं चाशनी से चटनी, यानी कि शुगर सिरप से चटनी। रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए बनाते हैं चाशनी से चटनी। इसके लिए यहाँ पर मैंने ये 1 कप गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी ली है। आप कोई भी मिठाई की बची हुई 1 तार की चाशनी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम एक हैवी बॉटम पैन में डाल देंगे, और इसमें जो भी चीज़ें मैं अभी डालने जा रही हूँ एक एक करके इस पैन में डालती जाऊँगी और आपको बताती जाऊँगी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच इमली का पल्प लिया है, तो इसे भी हम इसमें डाल देंगे। साथ ही 1/4 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच नमक और 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ इसमें मैं। इस चटनी की सबसे ख़ास बात यह है कि आपको सारी चीज़ें एक साथ डाल देनी है और बस इसे गैस पे चढ़ा देना है बॉईल होने के लिए, और 5 से 6 मिनट में आपकी चटनी रेडी हो जाएगी। तो अगली चीज़ हम इसमें डाल रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर, जो अदरक को सुखा के पाउडर बनाते हैं वो, और 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1 बड़े चम्मच ड्राई मैंगो पाउडर या आमचूर पाउडर, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे 4 खजूर जिसे हम बारीक काट लेंगे। आपके पास अगर खजूर नहीं हो तो इसकी जगह किशमिश को भी 2 टुकड़ों में काट के डाल सकते हैं, लेकिन खजूर डालने से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो इसे हम इस तरह से बारीक काट लेते हैं और उसके बाद इस खजूर को इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स, मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ईजी, क्विक, इंस्टेंट और टेस्टी सी रेसिपीज़ लेके आऊँ, तो ये उनमें से ही एक है। 1 पॉट 1 शॉट एकदम इंस्टेंट रेसिपी है, झटपट से तैयार हो जाने वाली चटनी है ये। तो सारी चीज़ें हमने इसमें मिक्स कर दी हैं। सिर्फ 1/4 छोटी चम्मच काला नमक और 1/2 छोटी चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, इसे हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे जब चटनी ऑलमोस्ट बन जाएगी तब। वैसे अगर आप चाहें तो अभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाद में ऐड करने से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसमें मैं ये 2 बड़े चम्मच यानी कि 2 टेबल स्पून पानी ऐड कर रही हूँ। तो एक बार अब इसको अच्छे से मिला देते हैं सारी चीज़ों को 1 चम्मच से। उसके बाद ढक्कन लगा के इसको 4.5 से 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। तो ये मैं इसको रख रही हूँ गैस पे, और अभी मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई पे रखा है। एक बार बॉयल आ जाए फिर हम गैस को बिल्कुल लो पे कर देंगे। 4.5 से 5 मिनट पकाने के बाद आप देखेंगे कि चटनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, और उसके बाद हम इसमें ये भुने हुए जीरे का पाउडर और काला नमक, इन दोनों चीज़ों को डाल देंगे और 30-40 सेकेंड और हम इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे और चटनी हो जाएगी हमारी रेडी। आप जितनी गाढ़ी चटनी अभी गर्म में देखेंगे उससे ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी जब ये ठंडी होगी। तो इसको हल्का पतला ही रखिए, जितना देर मैंने पकाने के लिए बोला है उतना ही पकाइए, क्योंकि चाशनी जो है वो हमारी ऑलरेडी गाढ़ी है। तो अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो चटनी ठंडी होने के बाद बिल्कुल जैम की तरह जम जाएगी। ये देखिए चटनी ठंडी हो गई है और पहले से ज़्यादा गाढ़ी हो गई है। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है चाट में डालने के लिए या समोसा की चटनी जो हमारी खट्टी मीठी होती है उसके लिए। आप इस चटनी को एक बार बना के 2 महीने तक रेफ्रिजरेटर में रख के जब भी ज़रूरत हो यूज़ कर सकते हैं। इस चटनी को समोसा या फिर चाट के अलावा आप राइस या फिर रोटी, पराठा, नान के साथ एज ए साइड डिश सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और कर लीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने वैल्यूबल फीडबैक मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।